हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मेरी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे को हम सुसु और पॉटी की ट्रेनिंग किस तरीके से दें। आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा, देखा होगा या बहुत सर्च किया होगा कि हम अपने बच्चे को सुसु और पॉटी किस तरीके से उनमें ये उनकी हैबिट को डेवलप करें, मेंटेन करें, क्योंकि बच्चे होते हैं बताते बता सकते नहीं हैं और वो किसी भी टाइम सुसु और पॉटी कर देते हैं, हमको भी ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं, बेड ख़राब कर देते हैं। तो हम किस तरीके से बच्चे को ये ट्रेनिंग दें तो और वो बताने लग जाएँ और हमारी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम हो जाए। देखिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं बता सकते हैं कि हम किस कि उनको सुसु आई है या पॉटी आई है। हमें बच्चों को समझना है, उनके जो साइंस हमें बच्चे के समझने हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो डेली में किस किस समय पॉटी करते हैं, डेली पॉटी करते हैं या सुसु वो कब कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, या सुसु करते समय या उससे पहले वो क्या इंडिकेशंस देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। और सुसु और पॉटी करने की ट्रेनिंग आप बच्चे को 5-6 महीने बाद ही दे सकते हैं। 5-6 महीने तक का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसमें हम उसको नहीं सिखा सकते, लेकिन उसके बाद आप बच्चे को भी अच्छे से समझ लेते हैं, बच्चे की आदतों को अच्छे से आप जान लेते हैं, तो उसके बाद आप बच्चे को आराम से सुसु और पॉटी की ट्रेनिंग इजीली दे सकते हैं और बच्चा सीखता है। और आप 100% देखोगे कि आप जो ट्रेनिंग बच्चे को दे रहे हो वो वर्क करती है। तो वो मैंने क्या मेथड यूज़ किए अपने बेबी के लिए वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये 100% वर्क करेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सुसु की, कि हम कैसे बच्चे को हम कैसे पहचानें कि बेबी अभी सुसु करेगा। और उसके कपड़े में करने से पहले या किसी बिस्तर पे करने से पहले हम बच्चे को पॉट में ले जाके सुसु करा दें। आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल वे में है, बहुत सरल तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी आपका बेबी उठता है, जैसे जब भी सोने के बाद आपका बेबी उठता है, तो आप 5-2-3 मिनट का वेट करिए, क्योंकि एकदम उठते ही बेबी सुसु नहीं करता। 3-4 मिनट तक आप वेट कीजिए, बच्चे को गोदी में लीजिए और उसको पॉट पे ले जाइए। जिस भी जगह आप बच्चे को सुसु कराते हैं उस जगह पर आप ले जाइए और बच्चे को पकड़िए और उसके पैर ऊपर करके आराम से, अगर आपके घर में पॉट है, बेबी पॉट जिसमें आप अपनी बेबी को सुसु कराते हैं, पॉटी कराते हैं, तो उस पर आप कराइए, या फिर आप नॉर्मल अपना यूज़ कर रहे हैं उस पर करा लीजिए, आप जो आपको इजी लगे। तो मैं क्या करती थी कि जब भी मेरी बेबी सो के उठती थी, मैं तुरंत उसके 2 या 3-4 मिनट बाद बच्चे को ले जाती थी बाथरूम में और उसके पैर ऊपर किए, और ऊपर करने के बाद मैं उसको एक इतनी प्यारी सी साउंड क्रिएट करती थी धीरे धीरे, जो अक्सर आपने भी सुनी होगी, देखी होगी, डेफिनेटली अपनी दादी नानी को करते हुए देखा होगा, अपनी मदर को अपने करते देखा होगा बच्चों के साथ। आप वही फॉलो कीजिए, देखिए 100% ये वर्क करता है और बच्चा बहुत जल्दी सुसु कर लेता, परेशान नहीं करेगा। बच्चे के पैर ऊपर करें और एक साउंड क्रिएट करिए, सुनना वो साउंड, जैसे इस तरीके से आप एक सीटी से बजाइए, आप कंटिन्यू ये करिए, बच्चा ना चाहते हुए भी उसको आ भी नहीं रही होगी तब भी वो उस समय टॉयलेट कर देगा। आपको 2-3 दिन शायद हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बच्चा ना करे, एक दो बार ना करे, लेकिन मैं आपसे गारंटी के साथ कह रही हूँ 2-3 दिन बाद आप बार बार वही साउंड क्रिएट करोगे, उसके पॉट के पास ले जाओगे, उसके कपड़े रिमूव करके उसे टॉयलेट कराने की कोशिश करोगे, बच्चा डेफिनेटली सुसु करेगा। आप वो साउंड क्रिएट करिए, बच्चा टॉयलेट करेगा और रिलैक्स हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, जब भी बच्चा सो के उठे, सोने के बाद 2-3 मिनट बाद आप बच्चे को ले जाइए और टॉयलेट कराइए। जब बच्चे को आप सुलाने ले जा रहे हो, अब बात कर रहे हैं जब बच्चा सोने जा रहा है, तो सोने से पहले भी आप क्या करोगे, बच्चे को बाथरूम में ले जाइए और एक बार ट्राई करिए कहीं बेबी सुसु तो नहीं करेगा। आप उसी तरीके से साउंड क्रिएट करिए जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया, और इस तरीके से आप करोगे बच्चे को अगर टॉयलेट आएगी तो वो उस समय करेगा और आराम से सो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा कितनी कितनी देर बाद करता है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, आप दूध पिला रहे हो, यानी किसी भी प्रकार का दूध पीने के बाद बच्चा
कम से कम आधे घंटे के बाद टॉयलेट जरूर करता है, 2 या 3 बार डेफिनेटली टॉयलेट करता है। तो आप ये चीज़ माइंड में ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी बेबी से सीखी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप जब भी बेबी को दूध पिलाओगे, दूध पिलाने के आधे घंटे बाद वो लगातार 3 या 4 बार टॉयलेट ज़रूर करता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और दूध पीते हैं, और दूध बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और कम से कम आधे घंटे बाद वो जल्दी जल्दी टॉयलेट करते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में ध्यान रखिए कि बच्चे ने अभी दूध पिया है और दूध पीने के बाद आधे घंटे बाद या 30-40 मिनट बाद बेबी टॉयलेट करेगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए। और दूध पिलाने के बाद आप कम से कम 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, बच्चे को टॉयलेट करा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में वो हैबिट पड़ेगी, और बच्चे को अगर टॉयलेट आ भी रही होगी ना, तो वो क्या करेगा आप पहचानिएगा, बच्चे साइन देते हैं या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे बच्चे, जब बच्चे को टॉयलेट आ रही होगी तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, या फिर वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये साइन होते हैं, वो साइंस देते हैं, वो उनको सुसू आई है। अगर बच्चे में ये हैबिट डेवलप हो गई है, तो अगर आपने बच्चे में ये हैबिट डेवलप करा दी है, तो वो फिर क्या करेंगे, साइंस देते हैं कि उनको अब टॉयलेट आई है और उनको टॉयलेट करना है। तो इस तरीके से आप 100% इस चीज़ से एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आपका बच्चा आपको साइंस देना स्टार्ट कर देगा कि उसे सुसू आई है, और आप बहुत इजीली से पहचान लोगे कि हाँ मेरे बच्चे को टॉयलेट आई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सोते वक्त, जब बच्चा जागे तब, और जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं तब, बच्चा बार बार टॉयलेट तभी करते हैं जब वो कम्प्लीटली मिल्क पर डिपेंड रहते हैं, यानी जब बच्चे दूध ही दूध पीते हैं तब बहुत ज़्यादा वो सुसू करती हैं। लेकिन जब बच्चा खाना स्टार्ट करते हैं तो उनका दूध कम हो जाता है, खाना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उस समय उनका टॉयलेट करने की जो बार बार वो टॉयलेट करते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आपके बच्चे ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो उसका जो बार बार जो टॉयलेट कर रहा था वो भी टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया सुसू के बारे में, अब हम बात करते हैं पॉटी के बारे में। पॉटी के बारे में देखिए, मैं आपको बात बताती हूँ कि बच्चा 6-7 महीने तक का है, तो देखो कोई कोई बेबी तो डेली पॉटी करता है, ठीक है ना, और कोई कोई बेबी क्या करेगा कि एक दिन बाद करता है बच्चा, कोई कोई बेबी 3-4 दिन बाद करता है। तो बच्चे का जो पॉटी करने का टाइम भी हर बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4 बार कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है 3-4 दिन बाद एक बार ही करते हैं वो पॉटी करने में। तो पॉटी कर बच्चे को कराने में या पॉटी ट्रेनिंग देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर बच्चे के साथ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो जब बच्चा आपका 5-6 महीने का है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर वो दूध पी रहा है तो वो हो सकता है कि 1 दिन बाद करे, या 2 दिन बाद करे, या 1 दिन में 1-2 बारी कर ले। आपको क्या करना है, आपको मगर डेली कम से कम 3 बार ये चीज़ें बच्चे के साथ करनी है। उसको किस तरह से ट्रेन करना है, आप बेबी को जब भी आप कुछ खिला रहे हैं या पिला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुसु बच्चे को आप कराने के लिए ले जा रही हैं सोते समय, या बच्चा सोने जा रहा है या फिर जाग गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को, जैसे बच्चा सो के उठ रहा है, तो उस समय आप बच्चे को थोड़ा सा आप अपना दूध पिलाइए, या फिर कुछ भी खाने के, अगर बच्चे ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो उसे कुछ भी खिलाइए। तो क्या होगा, बच्चे के पेट में जैसे भी कुछ जाएगा ना, तो उसको थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि हो सकता है वो पॉटी करे, तो आप उसको तुरंत पॉट पर ले जाइए और उसको उसी तरीके से एक साउंड क्रिएट करिए उसके कानों में, और बच्चे को पॉट पर बिठा दीजिए। बच्चा थोड़ा सा मतलब अपने आप को प्रेस, अगर उसको आ रही होगी उस समय, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रेसराइज करेगा और वो पॉटी करने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा नहीं करना चाहता तो वो वहाँ पे बैठेगा ही नहीं, एकदम खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा सा बिहेव नहीं करेगा, तो समझ लीजिए वो नहीं करना चाहता। आप कम से कम 3 बारी ये चीज़ करिए, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय, ठीक है ना। तो अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ें करोगे बच्चे के साथ, सुबह, दोपहर, शाम पॉटी कराने के लिए उसे ले जा रहे हो, एक साउंड क्रिएट कर रहे हो बच्चे को कराने के लिए, तो बच्चे को एक क्या लगेगा कि हाँ मम्मा कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समझने लगते हैं इस चीज़ को, और जो आवाज़ उनके कानों में जाती है ना, उससे उनको वही फील आती है और वो काम वही करते हैं। अगर उनको सुसु करनी होगी तो सुसु करेंगे, पॉटी करनी होगी तो वो पॉटी करेंगे,
आपको कम से कम 10 या 15 दिन या हफ्ते भर आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन उसके बाद बच्चे को ये हैबिट पड़ जाती है और बच्चे उसी समय पॉटी करते हैं। आप सुबह कराइए, आपको आपको लग रहा है कि बच्चे का पेट थोड़ा डिस्टर्ब है या बच्चे को बच्चे ने ज़्यादा खा लिया है या मैंने उसे ज़्यादा खिला दिया है, तो आप उसे दो दो या तीन बार उसको ये ट्रेनिंग दे सकते हो, या बार बार उसे बार बार बाथरूम में ले जाने के बजाय आप ये 2 या 3 बार उसको ट्राई करा सकते हो कि उसे पॉटी तो नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में से ये चीज़ें निकल जाएगी कि बेबी अब ना कर दे, या अब कपड़े ख़राब ना कर दे, अब डायपर गंदा ना कर दे, तो ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे के अंदर भी ये हैबिट, गुड हैबिट डेवलप हो जाएंगी। वो उसी समय करेंगे, अगर आप सुबह ले जाते हो तो सुबह के समय, दोपहर ले जाते हो तो दोपहर के समय, या रात के समय, इन तीनों टाइम में से वो किसी भी एक टाइम में पॉटी डेफिनेटली कर देंगे, उनका पेट खाली हो जाएगा। और हमें पता रहता है कि हमने अपने बच्चों को कितना खिलाया, वो कितनी बार करेगा, एक बार या दो बार। वो कंडीशंस अलग होती हैं कि जब बच्चे को लूज मोशन हो गए हैं, वो कंडीशन अलग, उस समय दूसरा ही हम बच्चे को इलाज करते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बेबी को सुसु और पॉटी करा सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि देखिए, आजकल बहुत सारे बेबी पॉट चल रहे हैं जिसमें कि स्पेशली बेबी को पॉटी कराई जाती है, सुसु कराई जाती है। वो आपकी सुविधा है, आपका आपकी कॉल है। अगर आप बेबी के लिए पॉट लेकर आना चाहते हो, आप लेकर आइए। तो इस तरीके से आप अपने बेबी को सुसु और पॉटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये 100% वर्क करता है। आप बच्चे को एंजॉय कराइए, थोड़ा सा साउंड क्रिएट करिए, देखिए बच्चा करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ इसको शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर सकूँ, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे सकूँ, और एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ। इसी के साथ आपको बाय बाय कहना चाहूँगी। बाय बाय, थैंक यू।